Welcome to my YouTube channel Learn the Win. Today we have a great job opportunity coming from three different company: Cisco, Zycus and Mastercard. So in this video I will discuss all eligibility criteria, selection process and exam pattern. Please watch this video till the end. Freshers are eligible, final year students are eligible and experienced candidate are also eligible. So मैं सिस्को की अपडेट में बताऊँ, उससे पहले मैं ये आपको बताऊँ कि बहुत सारे जॉब्स जो मैंने अपडेट दिया था लास्ट वीक एंड लास्ट टू थ्री डेज में, सो वो सब की अभी अप्लाई लिंक एक्टिव है. सो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो चेक करें रिगार्डिंग लेटेस्ट जॉब्स अपडेट एंड वहाँ आप अप्लाई करें. सो मैं बता दूँ कि IBM एंड DXC टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप लोग ने अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ अप्लाई करें. एंड अगेन IBM की एक दूसरी भी अपडेट थी, लाइक दो तीन जॉब रोल के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली थी, सो ये वीडियो भी चेक करें टाटा पावर, एमडॉक्स एंड IBM के लिए. फिर आपका अगर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो विदाउट कोडिंग भी बहुत सारे जॉब है. अगर आप BTech के अलावा किसी दूसरे लाइक फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो आप ये सारे वीडियो भी देख सकते हैं. सो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट जॉब रोल के लिए एंड डिफरेंट फील्ड स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मैंने अपलोड किया था, तो आप लोग जरूर वीडियो चेक करें एंड अप्लाई करें. तो मैं सिस्को की तरफ से अपडेट बताऊँ. सो ये बहुत ही बिग अपडेट है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ आ रही है. सो यहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए. सो यहाँ पे लाइक दो तीन जॉब रोल है. सो मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके जॉब रोल होने वाले, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी आपकी पैकेज मिलेगी. सो मैं पैकेज की बात करूँ, यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा पैकेज है. यहाँ आपको एटलीस्ट फ्रेशर को 800,000 पर एनम आपको मिलने वाला है. सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है. सिस्को एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और यहाँ आपको काम करने का मौका मिलेगा. सो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल है वो नेटवर्क एम्बेडेड और एप्लीकेशन डेवलपमेंट. सो तीन जॉब रोल के लिए मैं वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ. सो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपका ये बता दूँ क्या आपका क्वालिफिकेशन क्या है. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अगर आप फाइनल ईयर में हो या फिर आपने लाइक आप 2021 और 2020 पास आउट बैच खेल के, ये सिर्फ है. सो यहाँ पे जो ब्रांचेज एलिजिबल है, सो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड मेजर सच एज मैथ, फिजिक्स अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, या फिर कंप्यूटर साइंस में IT, इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, या फिर कर रहे हो, सॉरी किया नहीं है, कर रहे हो, आप 2021 पास आउट हो या फिर 2020 आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो. सो 2020 बैच के स्टूडेंट में भी कुछ लोग पास आउट कर गए होंगे और कुछ लोग का भी एग्ज़ाम हो रहा होगा या होंगे, किसी की रिजल्ट बाकी हो. सो 2020 बैच आउट पास आउट लाइक अभी वो फाइनल ईयर उनको अभी काउंट कर रहे हैं. सो आप दोनों बैच यहाँ एलिजिबल हो. सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है. यहाँ पे पैकेज आपको बहुत अच्छा मिलता है. सो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो थ्री कैटेगरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, वो मैं आपको डिस्कस कर दूँ. फर्स्ट कैटेगरी जो है वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के लिए है. सो यहाँ पे आपका जो नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट थिंग इन लोग बोलते हैं कि आपके पास लाइक लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, आपके पास इंथुजियाज्म होना चाहिए. सो आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप न्यू टेक्नोलॉजी लर्न कर सको, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो ट्रेनिंग देते हैं इसको, वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं. बहुत ही अच्छा यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस रहता है न्यू फ्रेशर स्टूडेंट के लिए. सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए है सिस्को में जॉब करना. सो यहाँ पे बता दूँ, उसके अलावा आपके पास TCP/IP नेटवर्किंग फंडामेंटल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब रोल है वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के लिए है. सो ऑब्वियस ही बात है. सो आपका CN का लाइक कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. उसके अलावा डेटा सिक्योरिटी में आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड लाइक पाइथन जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. एंड इसके अलावा आपका टेस्टिंग का नॉलेज होनी चाहिए, ट्रबल शूटिंग डिबगिंग का नॉलेज होना चाहिए. सो एंड जो सेकेंड जॉब रोल है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ही तीन है. सो सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. यहाँ पे आपका अगेन आपको नेटवर्किंग का नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि सिस्को नेटवर्किंग बेस्ड कंपनी है, नेटवर्किंग की नंबर वन कंपनी है वर्ल्ड में, तो उसका मेजर प्रोजेक्ट नेटवर्किंग बेस्ड ही होता है. सो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग में TCP/IP नेटवर्किंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग स्विचिंग ये सब आपको आनी चाहिए और पाइथन आना चाहिए, क्योंकि मशीन लर्निंग पे अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है सिस्को का एंड इन फ्यूचर बहुत सारे प्रोजेक्ट है. सो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारी रिक्रूटमेंट अभी निकाली है सिस्को ने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका यहाँ पे पाइथन का अच्छा जॉब रोल होने वाला है. एंड आपका उस कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको लाइक थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर नेम सेक आपको होनी चाहिए, एंड डिबगिंग आपको आनी चाहिए एप्लीकेशन प्रोग्राम की, लाइक आप फैमिलियर हो उससे कि नहीं. एंड ये जो थर्ड जॉब रोल है वो एम्बेडेड एंड सिस्टम डेवलपमेंट की है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट ज़्यादा एलिजिबल होने वाले लोग, ज़्यादा प्रेफरेंस उनको मिलेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट इस जॉब रोल को चूज़ करेंगे. सो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए.
प्लस आपका पाइथन आनी चाहिए, एंड यहाँ पे सी एन का उतना रोल नहीं है, सी एन का कोई रोल नहीं है, एंड पाइथन के अलावा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइक स्ट्रांग फंडामेंटल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, एंड डिबगिंग वगैरह आना चाहिए। सो ये आपका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सो ये तीन जॉब रोल है, आप लोग आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, जो आपको पसंद है आपसे प्रेफरेंस पूछे जाएंगे, एंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। आप इसके लिए एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं है, कभी भी एक्सपायर हो सकती है। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अप्लाई करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो सेकेंड जॉब अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ, वो जाइकस कंपनी की तरफ से आ रही है, बहुत ही अच्छी अपडेट है, बिग अपडेट मैं बोलूंगा। ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए फ्रेशर रिक्रूटमेंट है, बेंगलुरु लोकेशन के लिए फुल टाइम है। सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ, आपको कोडिंग यहाँ आना चाहिए, PDLC की नॉलेज होनी चाहिए, एंड आपको यूनिट टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट, कोडिंग, डिजाइनिंग, इंटीग्रेशन टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब आपको आनी चाहिए। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको बैचलर डिग्री अगर आपने किया है, सो 2018, 2019, 2020 एंड 2021 पास आउट बैच स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी फील्ड के स्टूडेंट है यहाँ पे एलिजिबल है। सो आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जाइकस एक बिग कंपनी है, बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये ट्रेनी का रोल है। सो यहाँ पे आपका पैकेज 5 to 6 lakh स्टार्टिंग पैकेज होगा फ्रेशर के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 8 to 10 lakh तक मिल सकती है, बट यहाँ पे ट्रेनी का रोल है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अगर रोल होता तो आपका एबव 10 lakh आपका पैकेज होता, बट ट्रेनी लगा हुआ है। सो यहाँ पे आपका थोड़ा रिक्रूटमेंट लाइक हायरिंग प्रोसेस भी थोड़ा ईजी होगा, क्योंकि जैकेस एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बट ट्रेनी लगा हुआ है, तो आपका यहाँ पे पैकेज 5 to 6 lakh अराउंड होने वाला है फ्रेशर के लिए, एंड थोड़ा आपका हायरिंग प्रोसेस भी ईजी होगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है करियर स्टार्ट करने के लिए, फ्रेशर स्टूडेंट, एक्सपीरियंस स्टूडेंट, आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उन्होंने मेंशन किया है, जावा, वेब सर्विसेज, रेस्ट, ये सब टूल्स आपको आनी चाहिए। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। जो थर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है वो मास्टर कार्ड की तरफ से आ रही है, बिग अपॉर्चुनिटी है। सो ये जॉब 4 days पहले पोस्ट हुई है, सो मैं सोचा आप लोग को अपडेट दे दूँ। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल के लिए, सो ये पुणे लोकेशन के लिए, बट अभी आपको वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। कोई भी जॉब आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, सिस्को में अगर आपका होता है तो वर्क फ्रॉम होम है, जाइकस भी वर्क फ्रॉम होम है, बट आफ्टर वर्ड आपको शिफ्ट की जाएगी कोई भी लोकेशन पे, वो लोकेशन उन्होंने मेंशन किया है पुणे। सो इसकी अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग अप्लाई करें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे मैं रोल की बात करूँ, यहाँ पे आपको डिज़ाइन करना है, मेंटेन करना है, टेस्टेबल करना है, स्केलेबल करना है एंड सिक्योर करना है कोड को। सो आपका डेवलपमेंट का लाइक सब कुछ यहाँ पे जो डेवलपमेंट में जितनी चीज़ होते हैं सब कुछ आपको रोल दिया गया है। ये डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट पे एंड आपके ट्रेनिंग डोमेन पे आपको क्या करना है। सो ये सारे चीज़ आपको करने को मिल सकते हैं। एंड जावा का यहाँ पे रोल होने वाला है, सो डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एप्लीकेशन लॉजिक इन जावा। आपको पास डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस का भी यहाँ पे यूज़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड डाटा बैकएंड सर्विसेज आपको आनी चाहिए। टेस्ट एंड वेरीफाई फीचर विथ वर्क करेक्टली, सो ये सब आपको आनी चाहिए। या सो इन्होंने मेंशन किया है जावा आपको आनी चाहिए, आपके पास MS SQL आनी चाहिए एंड बाकी सारे टूल्स भी है, बट उतना वो मैंडेटरी नहीं होता है जितना SQL एंड जावा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है, वो आपको एटलीस्ट आनी ही चाहिए। AWS का अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है या नॉलेज है तो आपके लिए प्रेफर्ड है। सो यहाँ मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, 2018, 2019, 2020 बैच, 2021 बैच, सारे बैच यहाँ पे एलिजिबल है, सारे ब्रांचेज एलिजिबल है। सो एनी ब्रांच इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मास्टर कार्ड में, यहाँ पे आपकी पैकेज एज ए फ्रेशर को 6 to 7 lakh मिनिमम मिलने वाला है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज़्यादा मिलेगा। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप लोग एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।